दस बजकर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ ये कंकणाकृति अर्थात कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है इस सूर्य ग्रहण का आवागमन करीब 19 साल बाद पुनः हुआ है और इसका सूतक रात्रि 20 तारीख को रात्रि 10:09 पर सूतक लगेगा और दूसरे दिन 21 तारीख को 10:09 से ग्रहण शुरू होगा और लगभग 1:37 पर यह ख़त्म होगा। पंडित जी किन किन राशि में ये लाभदायक और हानिकारक है? ये अनेक राशियों के लाभकृत है अर्थात मेष राशि सिंह राशि कन्या राशि इसको दर्शन करना शुभ कहा गया है। बाकी वृष तुला और धनु और कुंभ इसके लिए मध्यम कहा गया है और वृक्षिक राशि और मीन राशि के लिए ये अशुभ है। गर्भवती महिलाओं के लिए बारे में क्या कहना? गर्भवती महिलाओं को इसमें प्रिकॉशन करना चाहिए अर्थात सावधानी ये रखना चाहिए कि सूतक से लेकर अन्य ग्रहण जब तक मोक्ष ना हो तब तक है जो सुई धागे से सिलाई नहीं करनी चाहिए तथा चाकू से सब्जी नहीं काटनी चाहिए या यूँ कहूँ कि ग्रहण के समय गहते ग्रहण के अंदर भोजन नहीं करना चाहिए। हालांकि विशेष परिस्थितियों में शास्त्र ने इसकी अनुमति दी है कि वृद्ध और बीमार आदमी अल्पाहार ले सकता है तो अन्न का सेवन ना कर ऐसी स्थिति में जल और जूस वगैरह ले सकते हैं लेकिन बिना चाकू के काटे हुए। पंडित जी इसमें कारण ये ग्रहण जो है जी कोरोना बीमारी को भी क्या ख़त्म कर सकता है? ग्रहण की जहाँ तक कोरोना बीमारी को लेकर के है कोरोना बीमारी जो है सितंबर से पहले हिंदुस्तान से विदा नहीं होगी क्योंकि जब तक केतु और गुरु का विक्षोभ नहीं होगा तब तक ये बीमारी चलती रहेगी। ये ग्रहण क्या होगा फ़ायदेमंद या नहीं होगा? ये ग्रहण देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसमें अनेक प्रकार की अतिवृष्टियाँ होंगी तथा युद्ध स्तर की स्थितियाँ बनेंगी अर्थात सेना का जमावड़ा जो चारों तरफ से घेरेगा अनेक देशों को इसलिए ये ग्रहण शुभ नहीं है। आपका नाम? पंडित सुदामा शर्मा।